राजधानी शिमला के विकास नगर में बीती रात आगजनी का मामला पेश आया है। गौरतलब है कि बीती रात विकास नगर से आंजी की ओर जाने वाले रास्ते के बीच स्थित दो दुकानों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख स्थानीय जनता ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग और पुलिस विभाग को दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग के 3 वाहन विकास नगर की ओर रवाना हुए, लेकिन विकास नगर के तंग रास्ते में अग्निशमन विभाग के वाहन को ले जा पाने में दमकल विभाग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच विकास नगर के स्थानीय निवासियों ने दमकल विभाग के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत से दमकल वाहन को मौके पर पहुंचाया और दमकल विभाग की कुशल टुकड़ी ने आग पर काबू पा लिया। हिमाचल खबरनामा की टीम से बात करते हुए विकास नगर में पिछले कई सालों से सब्जी की दुकान चला रहे पीड़ित दुकानदार दौलत राम और उनकी पत्नी ने कहा कि वे हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे, लेकिन रात करीब 10:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई और गरीबी के चलते ये हादसा उनके लिए किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से उनकी हर संभव मदद करने की गुहार लगाई। गौरतलब है कि सब्जी की दुकान से ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। व्यक्ति मूल रूप से सिरमौर का रहने वाला है, जो अपने परिवार के साथ शिमला में रहता था। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम दौलत राम है जी, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। मेरी सब्जी की दुकान थी यहाँ पे और रात को आग लग गई। मेरा कारोबार यही था। अब ये हम किसी को बता नहीं सकते कि किसने लगाई या कुछ क्या, जब हमने किसी को देखा ही नहीं तो हम ऑब्जेक्शन किस पे करें। शान कोई दो ढाई लाख के आसपास है सर, क्योंकि वो सारा जो बना हुआ था वो लकड़ी का ही था और जो मेरा अपना सामान था वो अलग था और जो मेरी क्रेट थी वो भी उसमें रही। 10:30 बजे मेरे को किसका फ़ोन आया कि जी आपकी दुकान में आग लग चुकी है। जितने को मैं घर से यहाँ तक पहुँचा तो हमारे से तो वो आग कंट्रोल हो नहीं थी सर। जितने को वो आए क्या बोलते हैं उनको फायर ब्रिगेड वाले, तब तक तो मतलब रात ही हो चुकी है। तो सर रात मांगते कि जो हम काम कर रहे थे सर वो हम दोबारा कर सके। आग नहीं, अभी तो दुकानें बनानी पड़ेगी हमारी। आग नहीं चलेगी यार। उसके बाद हमारे को सामान भी चाहिए उसके। हमारे को सरकार से यही आशा कि हमारा काम शुरू कर। वहीं आग की चपेट में आई दूसरी दुकान विकास नगर के स्थायी निवासी बलवंत चौहान की है। आग लगने के कारण उनकी दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बलवंत चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए समय पर पहुंची दमकल विभाग की टुकड़ी का आभार जताया, साथ ही जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई। किसी के ऊपर भी नहीं है, अचानक से कैसा हो गया कुछ पता नहीं लगा। एक सब्जी की दुकान थी साथ में, उसके साथ उसी में नीचे से कहीं आग लग गई और इतनी भयंकर आग लग गई कि उसमें अभी किसी के ऊपर आशंका नहीं जता रही कि किस तरीके से आग लगी है। ना कोई बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ, ना कुछ कोई भी नहीं था। यहाँ पे तो लोग रात को 12-1 बजे तक भी चले रहते हैं, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। लेकिन 11 बजे के बाद जब किसी ने फोन किया, किसी ने देखा, तो जब हम इधर आए तो यहाँ उतनी देर आ गया था। फायर ब्रिगेड वाले भी टाइम से पहुंच गए, बड़ी मुशक्कत से आए। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत थी। विकास नगर में सबसे बड़ी दिक्कत रोड की है, जिसमें से कोई भी हादसा हो जाए किसी के घर में तो हमारे यहाँ तक गाड़ी पहुँचना, एम्बुलेंस तक नहीं पहुँचती। लेकिन फायर ब्रिगेड वालों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बात जताता हूँ कि उन्होंने जैसे कैसे करके भी हमारी एक और दुकान बचाई और जान माल का और जो भी कोई नुकसान होना था उसे बचाया। वहीं दमकल विभाग के डिविजनल फायर ऑफिसर धर्मचंद शर्मा ने
पेश आए वाक्य की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विकास नगर की ओर आने वाले रास्ते में बेतरतीब ढंग से खड़ी गाड़ियां और रोड संकरा होने के कारण दमकल वाहन को घटना स्थल तक पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास नगर में किसी आपातकाल की स्थिति में एम्बुलेंस का आना भी मुश्किल है। उन्होंने आग को बुझाने में सहायता के लिए स्थानीय लोगों का आभार जताया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आगजनी के मामले पर अपने विचार साझा किए। विकास नगर में एक आग की सूचना की हमें कंट्रोल रूम में है 10:45 बजे रात्रि में दी, जिसमें ये बताया गया है कि किसी दुकान में जो है आग लगी है। जो ही ये सूचना मिली है, हमने फायर स्टेशन छोटा शिमला से और माल रोड से अपने दमकल वाहन दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिए थे, लेकिन रास्ता इतना तंग और इतना संकरा है कि जिसमें हमारी फायर फाइटिंग व्हीकल तो क्या, इधर एम्बुलेंस भी अगर एमरजेंसी में किसी पेशेंट को ले जाना हो तो वो भी नहीं आ सकती। फिर भी हमारे ड्राइवर जो एक बहुत ही कुशल चालक हैं, उन्होंने हमारा जो स्मार्ट वाटर टेंडर है वो जैसे कैसे है अग्नि दुर्घटना स्थल तक पहुंचाया। और इसके बाद छोटी जो स्मॉल वाटर टेंडर और एक QRP जिसमें मैं स्वयं इसमें आकर यहाँ मौके पे वारदात को देखा, आग को काबू करने के लिए स्थानीय लोगों का हमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिला। जहाँ तक पानी की बौछार डालने का था उसमें हमने तुरंत गाड़ी जो है जैसे कैसे भी है पहुँचा करके लोगों ने काफ़ी सहयोग किया गाड़ी को पहुँचाने के लिए भी और आग बुझाने में भी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी और यहाँ की स्थानीय जनता को भी ये जरूर संदेश जाना देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने गाढ़े खून की और पसीने की कमाई अपने मकानों में लगाई हुई है बनाने में, उसको सुंदर बनाने में। अगर आप रोड की ऑक्यूपेंसी या आइडल पार्किंग किसी ढंग से रखेंगे तो मैं नहीं समझता, अगर किसी घर में यहाँ आग लग जाती हो तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर घर में LPG सिलेंडर रखे हुए होते हैं और बर्निंग मटेरियल खासकर जो इंटीरियर फिनिश है वो वुडन का दिया होता है। आग लगने पर बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है और फायर ब्रिगेड का पहुँचना यहाँ बहुत मुश्किल है। फायर ब्रिगेड तो दूर की बात, यहाँ एम्बुलेंस तक पहुँच नहीं पाती। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को, खासकर जिनकी अपने वाहन है, कृपया आप या तो चलो पार्किंग भी आपकी बनी रही अभी यहाँ साथ ही, अपने वाहनों को इस ढंग से पार्क करें ताकि किसी भी एमरजेंसी व्हीकल, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, उसके लिए पूरा रोड रखें, पूरा एक्सेस रखें, तभी हम और हमारे यहाँ की जनता सुरक्षित है। और जहाँ तक आग को बुझाने का था मसला, ये यहाँ तक हमने जैसे कैसे भी गाड़ी पहुँचा दी, खासकर हमें स्थानीय लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। यूथ जो युवा है, युवा का जोश भी होता है, यंग और एनर्जेटिक भी हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला। हमने इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जो एक दुकान जो बलवंत राज चौहान की थी और दूसरी दुकान जो है दौलत राम की है, और तीसरा एक ढाबा था, ढाबा को बचा दिया, लेकिन दो दुकानें जो है जल के पूरी तरह नष्ट हो गई। आग के कारणों का यहाँ मुझे लगता है कोई लापरवाही से किसने बीड़ी सिगरेट या कुछ जलती हुई माचिस की तिल्ली डाल दी, पूरे ढंग से बुझाई नहीं, और उसी से आग लगना जो है मुझे इसका कारण लगता है। साथ में फर्स्ट जो सब्जी की शॉप थी ये हमारी थी और इसमें जो है ये मैंने आगे लैक राम जी को रेंट पे दी हुई थी, तो ये अपना इसमें सब्जी का काम करते थे, फ्रूट्स का काम करते थे। और कल रात ही मेरे को 10:30 बजे के आसपास पड़ोसी का कॉल आया कि आपकी शॉप में आग लग चुकी है। तो मैं कहीं स्टेशन से बाहर था, मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका उस टाइम, क्योंकि जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा यहाँ पर सारी जो दुकान थी वो पूरी तरह से जल के ध्वस्त हो चुकी थी और उसमें जो अंदर इनका सामान था, सब्जियाँ वगैरह, वो सारी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। बाकी जो मैं आपको, मैं सरकार से यही विनती चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर हमारा नुकसान हुआ है दुकान का और जो दुकान के अंदर सामान था, ठीक है, तो अगर सरकार की तरफ से इसमें कोई संभव, जो भी संभव मदद हो सके, तो मैं सरकार का आभारी रहूँगा और मैं सरकार से बस यही चाहता हूँ। दोनों दुकानों का सर एस्टिमेटेड मैं आपको बताऊँ तो कम से कम जो 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ वो सब्जी की दुकान का ही हुआ है, जिसमें कम से कम 50-60 हज़ार की इनकी सब्जियाँ थी और 2-4 हज़ार कुछ कैश भी था इनका अंदर, ठीक है।
वो ये बेचारे गरीब आदमी 8-10 साल से यहाँ पर हमारी दुकान पे जो है अपना काम कर रहे हैं, और अब इनके पास आगे का कोई भी जो है जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और साथ में जो है मेरे चाचा जी की दुकान थी बलवंत राज जी की, जिसमें कि कम से कम 3-4 लाख का सामान था, इलेक्ट्रिकल शॉप थी, और इसमें जो अंदर रिपेयर वगैरह का काम होता था अपना, जो गैस चूल्हा ठीक करवाते थे उसका, तो उनका भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। मतलब दोनों दुकानें 100% ख़त्म हो चुकी है। साथ में एक दुकान और लगती थी जो हमारे मेरे ताऊ जी की दुकान है, वहाँ तक तो हमने मतलब जो तब तक जो है प्रशासन की तरफ से फायर ब्रिगेड और पुलिस का जो महकमा है वो मौके पे पहुँच गया था और उन्होंने किस तरह से आग पे काबू पा लिया था। तो इसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने समय पे आके इस चीज़ को जो है जो आगजनी की जो घटना थी इस पर जल्द से काबू पा लिया था।